लाइफ में अक्सर जैसा हम प्लान करते हैं 98% ऐसा होता है कि भगवान की प्लानिंग ही अलग होती है। हम सोच कुछ और रहे होते हैं और हो कुछ और जाता है। और ये जो वक्त आपको दिखा रही हूँ मैं, ये है वीडियो फरवरी की। और फरवरी में जैसे कहते हैं ना कि हमारे पैर से ज़मीन खिसकना क्या होता है, वो उस समय समझ में आया। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवांगी एंड दिस इज़ शिवांगी शरण ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। तो ये जो फेज़ है ये फरवरी के टाइम का है और मैंने सोचा नहीं था कि ब्लॉग बनाऊँगी इसको लेकर, लेकिन मैं वीडियोज़ ज़रूर बनाती थी जस्ट टू रिमेम्बर एवरी थिंग कि कैसे कैसे ये टाइम निकला है। और मैं बस इतना बता देती हूँ, आप आगे वीडियो में आपको पता लगेगा कि चीज़ें क्या क्या हुई। लेकिन बस आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि ऐसा टाइम आ गया था कि जिसको मैंने जन्म दिया उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई और जिसने मुझे जन्म दिया उसकी भी तबीयत ख़राब। और वो जो फेज़ था ना, वो भुला ही नहीं भूल सकती। कैसे वो दिन कटा वो मेरी फैमिली से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो आगे बढ़ते हैं। जय की तबीयत 19 फरवरी को ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट हमने 2 दिन लिया कि चलो ठीक है, दवा तो डॉक्टर के कंसल्ट से ही, पटना वाले डॉक्टर के कंसल्ट से ही चल रही थी, तो हमने सोचा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं ठीक हुआ। तो फाइनली 23 फरवरी को हम लोग निकल गए पटना के लिए। और आप सोचो कि इतनी इसकी तबीयत ख़राब है, आप प्रीवियस क्लिप में देखा होगा कि इसको नेबुलाइज़ किया जा रहा है। वाकई मतलब ऐसा हो गया था कि हमें तो लगा कि भाई कुछ अटैक जैसा ना हो जाए। लेकिन खैर हम लोग पटना पहुंच गए और फिर पटना पहुंचने के बाद घर पहुंचे और घर पहुंचते ही भाई भी आ गया था, तो हम लोग सब कोई गए, अभी जा रहे थे डॉक्टर के पास। और डॉक्टर, और सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूँ, ये जो डॉक्टर हैं जिनको मैं दिखाने जा रही हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट बाय बर्थ उन्हीं डॉक्टर ने इसको देखा है। बाय बर्थ ये डॉक्टर इसको, मतलब इसकी ट्रीटमेंट चलती है, ट्रीटमेंट इन द सेंस कि तबीयत वबीयत जब ख़राब होती है, फीवर होता था, जो भी होता है, छोटे बच्चे 5 साल तक तो परेशान करते हैं, तो उन्हीं को दिखाते थे। तो इस दिन भी हम लोग वहाँ गए और सब कुछ ठीक था, मतलब जैसा क्या बोलूँ, परेशानी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पहुँचकर बच्चे को देखकर भी नहीं लग रहा कि हाँ कितना ज़्यादा हम लोग परेशान थे। तो खैर डॉक्टर ने बोला कि इसको कंटिन्यू दवा देते रहो, हम लोग देते गए। इन्होंने जैसा बोला, ये 23 की क्लिप है फरवरी की, तो जैसा बोला इन्होंने वैसा हम लोग स्टार्ट कर दिए। अब बारी आई कि हम, उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था और इतना ज़्यादा हम लोग अपसेट थे क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब थी। तो खैर, लेकिन भाई का बर्थडे हमने छोटे मोटे तरीके से ही, लेकिन बीच में, सबके बीच में हमने सेलिब्रेट किया और यहाँ माता रानी की का आशीर्वाद लेने गए। पता नहीं है उस दिन मम्मी के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता था, बेटे के बारे में पता था। तो मन बहुत विचलित था कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, मतलब तबीयत ख़राब हो गई है। उस समय हमें नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है, बस हम लोग डॉक्टर को दिखा दिया और इस बात की शांति हो गई कि हाँ ठीक है, हम लोग मतलब अब ट्रीटमेंट, इसकी तबीयत ख़राब हो गई है तो ठीक हो जाएगी। फिर हम लोग गए रेस्टोरेंट, उसमें उसकी मस्ती चली जाए शौर्य की। और बस आगे आप वीडियो में बने रहिएगा, छोटी मोटी सेलिब्रेशन हुई। हम पिएंगे, रितु पता है वहाँ ना बहुत नखरा करते हैं पीने में। चलो जय बल्लू, इधर पूरा इधर है, इधर इधर आ जाओ। Happy birthday to you. तो बस हमने सेलिब्रेशन किया और
अब मैं बताती हूँ कि डॉक्टर की लापरवाही से क्या होता है। मेरे बेटे को हार्ट टाइफाइड था, हमने करीब 10-15 दिन लगाए उस दवा को, 10-15 दिन दवा खिलाया हमने, डॉक्टर बोले कि देते जाओ। अब आप बताओ, हमने मतलब वो डॉक्टर की तो बात मान ली, लेकिन फिर मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं, ऐसा थोड़े होता है कि इतना फीवर आ रहा है और एंटीबायोटिक देते जाओ, दवा देते जाओ। तो फिर हमने डॉक्टर करीब 3 डॉक्टर चेंज किए, थर्ड डॉक्टर ने बोला कि इसको हाई टाइफाइड है और इसको इन्फेक्शन है। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का खाना देती हूँ, मैं कुछ भी नहीं, घर का ही खाना बना के देती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, बच्चे हैं तो कुछ मुँह में डाल लिया है, डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी चीज़ें मुँह में डाल लेता है तो उससे हो जाता है। तो तब जाके हमें कंफर्मेशन, मतलब जिसने बाय बर्थ देखा उसने मतलब ऐसा 10-15 दिन खेल कर दिया कि जिसके वजह से मेरे बच्चे को इतनी परेशानी हुई। मतलब 12-12 इंजेक्शन पड़ा है टाइफाइड को लेकर, डॉक्टर ने इतना कह दिया कि इसको 1-2 दिन लेट हो जाता तो इसको एडमिट करना पड़ता। खैर ये बात हुई जय की, और मैं क्या बताऊँ, इसी बीच जय ठीक ही हो रहा, ठीक क्या हो रहा था, मतलब इसकी ट्रीटमेंट चल ही रही थी, उसी बीच मम्मी को मतलब इतना ज़्यादा मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई कि बाय लक हम लोग आए पटना, और मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी तुम भी दिखवा लो, क्योंकि हम सब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, टोटल जितने भी लोग हैं, सिर्फ ऋतु को छोड़ के, क्योंकि ऋतु थे घर जमुई में। तब जाकर पता चला, डॉक्टर ने कहा, मतलब ऐसी बात कह दी उसने कि मैं क्या बताऊँ, मतलब उस समय तो हमारी सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि आपके घर में कभी भी हादसा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो सिटी स्कैन हुआ, सिटी स्कैन में ट्यूमर से रिलेटेड बोला गया कि आप MRI कराइए, और MRI का रिपोर्ट आने में 3 दिन लगा। 3 दिन हम लोग, मैं, पापा, भाई, मतलब मेरे हस्बैंड, हम लोग पल पल मर रहे थे, मतलब क्या बताऊँ। और जब MRI का रिपोर्ट आया तब पता चला कि माई मॉम वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। वो जो फेस था ना कि मम्मी और अपने बेटे के बीच मैंने कैसे कैसे टाइम निकाला, दोनों की तबीयत ख़राब, आगे वीडियोस मैं बनाऊंगी उससे रिलेटेड भी कि कैसे डिसीजन लिया हमने, कहाँ गए। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।